हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बनारसी टिश्यू पेपर सिल्क जो साड़ी होती है उसकी ड्रिपिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। टिश्यू साड़ीज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये साड़ीज़ होती हैं, लेकिन ये जो साड़ीज़ है इसमें फ्लपीनेस बहुत ज़्यादा आती है जब भी हम ड्रिप करते हैं, या फिर ये साड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है, इसका फैब्रिक भी पतला होता है और थोड़ा सा स्लिपरी भी इसका जो फैब्रिक है वो होता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे कि नीट एंड क्लीन आपकी ड्रिपिंग आए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, मैंने मेशो से परचेस की हुई है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर गोल्डन बॉर्डर दी हुई है, पिंक कलर की बॉर्डर है जो कि थोड़ी चौड़ाई में बड़ी है, बीच में गोल्डन कलर का पोर्शन दिया हुआ है। धूप छाव साड़ी जिस तरीके से होती है उस तरीके से ये धूप छाव की तरह लगती है, और साथ ही साथ इसमें ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन भी दी हुई है। ऊपर की तरफ भी बॉर्डर दी हुई है पिंक कलर में, बहुत ब्यूटीफुल ये साड़ी है। अब यहाँ पर साड़ी को ड्रेप करते वक्त कभी भी हील्स को ज़रूर वेयर कर लीजिएगा। इस तरीके की साड़ीज़ अक्सर हम किसी फंक्शन के लिए ही वेयर करते हैं, तो हील्स वेयर कर लेंगे। सेकेंड बात, जब भी हम यहाँ पर अभी फर्स्ट राउंड लेते हैं तो जब भी आप पेटीकोट वगैरह तो टमी का पोर्शन अगर आपका निकला हुआ है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से प्लेन तरीके से आपको इसको टक इन करना पड़ेगा। जो भी हम पेटीकोट वेयर करते हैं तो उसकी डोरी हम पीछे की साइड में लेकर जाएंगे, ना कि सामने की तरफ रखेंगे। सामने की तरफ से अगर आप इस तरीके की साड़ीज़ में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लपीनेस आएगा, टमी का पोर्शन भी ज़्यादा निकला हुआ दिखाई देगा, इसीलिए थोड़ा सा पीछे की साइड में रखेंगे। और यहाँ पर प्लेन तरीके से अब हमें ये राउंड जो है फर्स्ट वाला वो बना लेना है नीट एंड क्लीन। सेकेंड बात, यहाँ पर अब हम राइट साइड में एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, क्योंकि ये साड़ी का फैब्रिक स्लिपरी होता है और इस तरीके की साड़ीज़ में अक्सर सेफ्टी पिन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी साड़ी की नीट एंड क्लीन भी लगेगी और जहाँ पर फ्लपीनेस है वो भी थोड़ा सा कम होगा। अब राइट साइड में एक सेफ्टी पिन मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं, और साड़ी की जो लेंथ है वो भी फ्लोर को टच करते हुए रखी है, क्योंकि ये साड़ी थीन होती है, ज़्यादा हेवी भी नहीं होती। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड हम इस तरीके से बना लेंगे। पीछे से भी साड़ी की लेंथ आप देख सकते हैं कि बराबर हमें रखनी है। सामने की तरफ से भी पेटीकोट जो है वो हमें कुछ इस तरीके से वेयर करना है, बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे, ना कि एकदम से नीचे रखेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे रखते हैं, तो ऐसा नहीं, बाद में साड़ी ड्रेप हम करते हैं तो वो अपने आप में थोड़ी सी नीचे आ जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको अब हम कुछ इस तरीके से लेंगे, और अभी हम पल्लू का पोर्शन बना लेंगे। पल्लू भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसका ये पल्लू का पोर्शन दिया हुआ है, और ये वाला जो फैब्रिक है सो ये ब्लाउज़ पीस का पोर्शन है, मैंने निकाला नहीं था। अब इसको हम गैदर करेंगे, और गैदर करने के बाद हम पीछे से सामने की तरफ इसको लेकर आएंगे, और लेकर आने के बाद यहाँ पर हम पल्लू का ऊपर का और नीचे का पोर्शन ज़रूर देख लीजिएगा प्लीट्स को अरेंज करने से पहले, नहीं तो नीचे से अगर हम प्लीट्स को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे कि आपको पूरी ड्रिपिंग फिर से करनी पड़ेगी। अब ऊपर का जो ये वाला फैब्रिक है इसको आप हम लेंगे, और यहाँ पर जितनी बॉर्डर दी हुई है उसी के हिसाब से पल्लू को मैं चौड़ाई में बनाना चाहूँगी, ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं चाहिए। और इस तरीके की साड़ीज़ में तो अक्सर दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़े बड़े अगर हम पल्लू की प्लीट्स को अरेंज करते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा फ्लपी हमारा लुक दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो प्लीट्स को अरेंज करूँगी और वन बाय वन अच्छी तरीके से हमें इसको नीट एंड क्लीन बना लेना है। कुछ प्लीट्स अगर बड़ी हो जाती है तो फैब्रिक दिखाई देने लगता है प्लीट्स के अंदर से, तो ऐसा ना हो। इस तरीके से बीच में आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो लास्ट वाली प्लीट आए वो इस तरीके से आ जाए, यानी कि जो फर्स्ट वाली प्लीट थी। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, अच्छी तरीके से सेट करेंगे, और इन सारी प्लीट्स को हम सेफ्टी पिन से या फिर कपड़े सुखाने की जो पिन आती है उससे भी आप इसको सेट कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा पल्लू आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। सो देखिएगा, चौड़ाई में ये कुछ इस तरीके से आई है। पीछे का जो पोर्शन है अभी बॉर्डर उसको हम सामने की तरफ कर देंगे, यानी कि सामने की फर्स्ट वाली प्लेट और लास्ट वाली प्लेट का जो डिरेक्शन है वो एक जैसा आ जाए। अब इस तरीके से पकड़ने के बाद हम नीचे का जो डिरेक्शन है प्लेट्स का उसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। ऊपर की तरफ एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे, और नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से लेकर जाना है प्लीट्स को अरेंज करते हुए, और नीचे भी हमें सेफ्टी पिन से इसको अच्छी तरीके से अरेंज करना है नीट एंड क्लीन। और हाथ से प्रेस ज़रूर कीजिएगा पल्लू बनाते वक्त,
और सेफ्टी पिन लगाने से आपका जो लुक है इसमें फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा कम होगी और एक नीट एंड क्लीन लुक आपका इस तरीके की साड़ीज़ में आएगा। इस तरीके की साड़ीज़ हम अक्सर फंक्शन में, शादी में वेयर करते हैं, तो आपको अगर कहीं बाहर वेयर करना है सो साड़ी को आप सबसे पहले तो पल्लू इसी तरीके से घर पर बनाकर ले जा सकते हैं, जिससे कि आपका वक्त बचेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से एक पिन से मैं पल्लू का पोर्शन अटैच कर दूंगी शोल्डर पर और नीचे की जो प्लीट्स है उसको अरेंज कर लूंगी। इससे आपका जो पल्लू का पोर्शन है वो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और नीट एंड क्लीन भी आएगा। सो इस तरीके से हम पूरा जो पल्लू का पोर्शन है वो सबसे पहले बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा पल्लू हमने यहाँ पर बना लिया। सामने की तरफ से भी अब हम पल्लू का पोर्शन तो हो गया, लेकिन सामने की प्लीट्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज करके रखेंगे, तो यहाँ पर फ्लफीनेस एकदम कम होगी बाद में। सो इसीलिए हम पहले ही इसको इस तरीके से बना के रखेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। सो देखिएगा, पल्लू का पोर्शन हो गया, सामने का भी पोर्शन हमने बना लिया। पल्लू को हमें इस तरीके से घुटने से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। बाद में शोल्डर की जो पिन है वो थोड़ा सा पीछे की साइड में लगानी है, ना कि एकदम शोल्डर पर ऊपर की तरफ लगानी है। सामने के जो प्लीट्स अरेंज किए हैं इन सारी प्लीट्स को भी अब हम कुछ हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से। इस तरीके से प्रेस करने के बाद और पिन निकालने के बाद देखिएगा यहाँ पर प्लीट्स कितनी अच्छी तरीके से अरेंज हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो प्लीट्स है वो यहाँ पर सेट हो जाती है और इसका फ्लफीनेस बिल्कुल भी नहीं रहा है और एकदम नीट एंड क्लीन प्लीट्स हमारी यहाँ पर बन गई है। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। अभी ये वाली जो बॉर्डर है यहाँ पर देखिएगा अनइवन लुक आया है, सो इसको अब मैं क्या करूँगी, ये बॉर्डर गले पर ना चढ़े या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह वेयर करते हैं तो उसमें ना अटक जाए, इसलिए हम इस यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमें इसको करना है और ऊपर की जो प्लीट्स अरेंज की है उसको इसके ऊपर रख देंगे, तो एकदम से अलग तरीके की बॉर्डर आपकी यहाँ पर सेट हो जाती है। और इस तरीके से अब हम ये बॉडली बॉर्डर जो है इसको लेफ्ट हैंड से खींचेंगे और ये वाला जो पोर्शन है सो इसको अब हमें थोड़ा सा सेट करना है। पहले बना लिया था और इसी को हम इस तरीके से अच्छे से अरेंज करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक एक प्लीट हमारी खिलकर दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा राइट साइड का जो पोर्शन है वो सेट हो चुका है। ये वाली बॉर्डर हम खींचेंगे पीछे से इस तरीके से और खींचने के बाद यहाँ पर पीछे का जो फैब्रिक है उसको भी अब हमें इस तरीके से नीट एंड क्लीन यहाँ पर सबसे पहले तो बना लेना है। ये बॉर्डर इस तरीके से खींचने के बाद यहाँ पर जो कुछ फ्लफीनेस होगा या फिर टमी का पोर्शन है वो भी यहाँ पर हाइड हो जाएगा और आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे से भी ले सकते हैं इस बॉर्डर को। अब मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा ली राइट पैर पर इस तरीके से जिगजैग करते हुए। उसके बाद में अब यहाँ पर सामने की तरफ से हम अगर प्लीट्स को अरेंज करते हैं तो हम अक्सर ये गलती है करते हैं कि इस तरीके से, अब हम क्या करते हैं इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स में या फिर थोड़े मीडियम लेंथ के प्लीट्स में अरेंज करते हैं, तो देखिएगा बीच में जो फैब्रिक है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है, प्लीट्स ऊपर से पलट जाती हैं, अंदर का फैब्रिक बाहर आता है। तो ऐसा ना करें, इस तरीके की साड़ी को प्लीट्स को अरेंज करते वक्त इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ाई में प्लीट्स अरेंज कीजिएगा। कोई भी आपकी साड़ी इस तरीके से बहुत फ्लफी होगी या फिर टिश्यू की साड़ी है तो इसके साथ में ज़रूर करना है, इससे अंदर की तरफ जो फैब्रिक रहेगी वो एक जैसी आएगी इस तरीके से, तो ये अंदर की फैब्रिक जो है तो वो पलटेगी नहीं और एक जैसी प्लीट्स आएगी। पीछे की तरफ एक प्लीट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और बाद में ज़्यादा प्लीट्स हमें इस साड़ी के नहीं अरेंज करने हैं, 5-6 प्लीट्स हमारे अरेंज हो जाए 4 या 5 तो इससे आपकी ड्रेपिंग भी अच्छी आएगी और फ्लफीनेस भी बहुत ज़्यादा कम होगा और साथ ही साथ प्लीट्स भी हम अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे। अब देखिएगा इस तरीके से अच्छे से हमें सेट करने हैं प्लीट्स को ताकि इसका फ्लफीनेस एकदम से कम हो जाए और हमारी जो ड्रिपिंग है वो एकदम से नीट एंड क्लीन दिखाई दे। सो इस तरीके से अभी हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे ताकि 1 by 1 प्लीट्स हमारी दिखाई दे, ना कि इकट्ठा एक पर एक प्लीट्स हमारी अरेंज हो जाए। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद नीचे के जो प्लीट्स हैं उनको भी अरेंज करेंगे, तो देखिएगा अंदर में जो फैब्रिक है प्लीट्स के वो एक जैसे आनी चाहिए और थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगी तो प्लीट्स पलटेगी नहीं, अपने आप में वो सेट हो जाएगी। नीचे से भी थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेंगे और हाथ से ही प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से, तो देखिएगा इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद नीचे का जो फैब्रिक है उसको भी इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस ज़रूर कीजिएगा प्लीट्स के अंदर का फैब्रिक। अब देखिएगा ये वाले जो फैब्रिक हमने छोड़ी थी 1 प्लीट, इसको अब हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है। हमने पिन लगाई थी
उस पिन के ऊपर से फैब्रिक लेनी है हमें कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर प्लीट्स को अरेंज कर लेना है लेफ्ट वाले पैर पर। सो इस तरीके से यहाँ पर आप अच्छी तरीके से 2-3 प्लीट्स बना लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल लुक लगेगा और यहाँ पर आपका फ्लपीनेस बहुत ज़्यादा कम होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन भी लुक आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये 3 प्लीट्स हमने बनाई है, इसको मैंने एक सेफ्टी पिन से फिर लगा कर सेट कर लिया। अब इसके ऊपर हमें प्लीट्स को अरेंज करना है जो फ्रंट प्लीट्स हमने बनाई है उसको। तो फ्रंट प्लीट्स हम बेली बटन के नीचे टक करेंगे, ज़्यादा भी हमें राइट साइड में नहीं टक करना है क्योंकि हमने प्लीट्स बनाई है तो वो हाइड हो जाएगी और लुक भी थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा। तो हमें ज़्यादा लेफ्ट साइड में नहीं लेना है या फिर ज़्यादा राइट साइड में भी नहीं लेना है। इस तरीके से बीच में हम इसको टक इन कर देंगे, प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं जो बॉर्डर है वो भी अच्छी तरीके से हमारी दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ पर प्लीट्स हम अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आप जहाँ आपको लगता है कि सेट करने की ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ा सा आप हाथ से प्रेस वगैरह कर सकते हैं। पीछे की जो फैब्रिक है उसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ ये फैब्रिक लेकर जाएंगे, पीछे से भी हमारी साड़ी ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा फैब्रिक अगर हम पीछे से टक करते हैं तो साड़ी ऊपर की तरफ लगने लगती है। अब अनइवन फैब्रिक को सेट करने के बाद यहाँ पर जो प्लीट्स हमने अरेंज की है वो प्लीट्स हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद एक पिन हम लेंगे और पिन को हम अंदर की जो फैब्रिक है उसके साथ में इस तरीके से अटैच करते हुए एक पिन लगा लेंगे। अंदर की फैब्रिक भी इसमें लेनी है हमें कुछ इस तरीके से। ये प्लीट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली साइड पर हमारी जो प्लीट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आए हैं और साड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि फ्लपीनेस है कहीं पर। सो बहुत ही अच्छी तरीके से ये ड्रेपिंग हमारी आई है। और नेक्स्ट बात अभी ये होगी कि फ्रंट प्लीट्स बनाने के बाद ये जो प्लीट्स होती है ये थोड़े इधर उधर हो जाते हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद हम हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। सो आपका जो लुक है इससे नीट एंड क्लीन आएगा और फ्लफीनेस भी बहुत ज़्यादा कम होगी। थोड़ी बहुत फ्लफीनेस रहेगी ही क्योंकि साड़ी जी इसी तरीके की होती है ये और बहुत रिच लुक भी हमें देती है, बहुत ब्यूटीफुल ये ड्रेपिंग लगती है। सो फाइनल जो लुक है हमारा इसी तरीके से रेडी हो चुका है। राइट साइड से भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लीट्स है वो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पर भी हमारे पैर पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्लीट्स को अरेंज किया है, बॉर्डर भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी सेट हुई है। सो फाइनल जो लुक है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कहीं पर भी फ्लपीनेस बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारा लुक आया है ऐसा हम कह सकते हैं। सो आई होप आपको ये ड्रिपिंग पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और नीचे की भी प्लीट्स देखिएगा यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं और फाइनल जो लुक है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा आया है। सो आपको ये ड्रिपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर ये साड़ी ट्राई की है तो मुझे इंस्टा पर टैग भी कर सकते हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।